हाँ जी फ्रेंड्स, एक्साइटेड अबाउट योर रिजल्ट। 24 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया था और एक आध दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट के आपके वाकई ड्रीम बैंड आ जाएं और ये फर्स्ट वीक ऑफ 2023 आपके आने वाले बड़े बड़े ड्रीम्स, कनाडा ट्रैवल करना, वहाँ की PR, वहाँ की सिटीजनशिप, वहाँ पर अपनी गाड़ी मकान, ये सारे पूरे करने में आपको हेल्पफुल हो। और ये इसकी शुरुआत तो आपको पता है यहीं से होनी है विद पॉजिटिव IELTS रिजल्ट। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एज सून एज यू गेट योर रिजल्ट, जैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आए, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में जरूर बताइएगा। आप ऑफ कोर्स अगर कहीं से आपने अप्लाई किया है, मतलब एग्जाम कहीं और से बुक किया था, दे वुड इन्फॉर्म यू अबाउट द सेम, बट एट द सेम टाइम बीइंग एन IELTS स्टूडेंट, आपके पास जरूर अपने IELTS एग्जाम के जो क्रेडेंशियल्स है वो रहने चाहिए ताकि आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके चेक कर सकें। वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या आया है। मॉर्निंग 6 o'clock ऑनवर्ड्स ये रिजल्ट के नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम हु वुड नॉट बी गेटिंग इन टाइम, तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, वेट फॉर द डे, बाय इवनिंग भी रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी चेक के लिए चला गया है, जो एक कॉमन प्रोसीजर है, तो हो सकता है कि लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स आपका भी रिजल्ट डिले हो जाए। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके अकेले का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और वो जब आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, मेनी अदर वुड रिप्लाई इन अ पॉजिटिव मैनर। दो चीज़ें जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो बहुत ऑब्वियस होती हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे, खुश हो जाएंगे अपना एग्जाम रिजल्ट देखने के बाद, बट एट द सेम टाइम देयर वुड बी फ्यू हु वुड बी डिसअपॉइंटेड। इन द केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यू हैव टू ऑप्शंस, एक तो ऑफ कोर्स अगर किसी मॉड्यूल में आपका रिजल्ट जो है लेसर देन एक्सपेक्टेशन आया है, आपको उम्मीद थी कि स्पीकिंग में 6.5 आएंगे लेकिन आए केवल 5 बैंड, तो यहाँ पर आपको पता है कि इतने कम की मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो देयर दोबारा या ज़्यादा मत सोचिए, अपनी EOR फिल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाइए और वहीं पे जाके फिल कर दीजिए। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आया है और वो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जिसके बिहा पे आप अपनी फाइलिंग कर सकें, देन द ओनली ऑप्शन इज कि आप अपनी IELTS स्कोर इम्प्रूवमेंट करें। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पता ही है, आपको ये पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, यू हैव ब्राइट फ्यूचर IELTS इंस्टीट्यूट जो मोगा सिटी में है, जहां पर आके मेरे आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप दूर से हैं और ऑनलाइन हमारे किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। बट ऑल आई कैन से, गिव अप मत कीजिएगा, चाहे आपने कितनी बार एग्जाम दिया है, इस बार दोबारा से प्रेपरेशन कीजिए और तभी एग्जाम दीजिएगा व्हेन यू आर सुपर श्योर के रिजल्ट अच्छा ही आएगा। गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट अगर हमें कनाडा जाने का अपना एक ड्रीम पूरा करना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। किसी का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, किसी का लेट, लेकिन सूनर और लेटर आप भी जरूर फ्लाई कर जाएंगे। इसी मोटिवेशन के साथ इसी वीडियो को मैं अभी बंद करता हूँ और जल्दी से जल्दी जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो, मेरे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।